हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का 22 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। प्लस साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, कल के लिए आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है वीडियो। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा, और कल की शिफ्ट का भी आपको एनालिसिस मिल जाएगा अगर आप नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लेते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। देखिए, ओवरऑल अगर पेपर की बात की जाए तो पेपर में आपका हिंदी बहुत स्कोरिंग है, हिंदी बहुत आसान लेवल की आ रही है। फिर अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग आपका टफ है, ठीक है। रीजनिंग मतलब मॉडरेट लेवल है, हम ज़्यादा टफ भी नहीं बोल सकते। कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है जो लेंथी है, जिनमें टाइम लग रहा है पढ़ने में, ठीक है। और जीके की अगर बात की जाए तो जीके का मैं भी डिस्कस करूंगा, आप खुद देख लेना कि किस लेवल का आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भाग टू में क्या होता है, तो नागरिकता या आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये था, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 हो जाएगी कंचनजंगा। अगर आपको ऑप्शन में दिया होगा तो कंचनजंगा राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार के राष्ट्रपति यहाँ पे पूछे गए थे तो विन मित राइट आंसर हो जाएगा, विन मित राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, चांद पृथ्वी का कितना भाग है, तो 1/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये सारे क्वेश्चन पता है अब क्या लगता है, बच्चों को जिस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे वैसे ही क्वेश्चन चाहिए होते हैं। तो थोड़ा सा लैंग्वेज का तो चेंजेस रहेगा, क्योंकि फ़ोन पे बात करके जो बच्चा उधर से बोलेगा जितना उसको याद रहेगा वो मैं लिखूंगा तब आपके पास लेके आऊँगा, तो उसे लगता है कि यार इस टाइप का क्वेश्चन नहीं था। आप क्वेश्चन के टॉपिक पे जाइए कि टॉपिक इस तरीके का था या नहीं था। अगर क्वेश्चन का टॉपिक वो नहीं था तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, बट आप ये मत बोलिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं था। उस तरीके का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। आप कभी फ़ोन पे किसी बच्चे से पूछिएगा, जो आपका दोस्त देखा होगा वो कौन सा एग्जैक्ट क्वेश्चन थोड़ी बता देगा, तो थोड़ा सा आप भी देख लिया करें। यहाँ पे एक क्वेश्चन था, तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी, तो ये जाई उद्दीन बरानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक था, थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्टेट इन इंडिया, ये आपका बिहार हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा को टच नहीं करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इलाहाबाद दिया हुआ था, तो इलाहाबाद आपका राइट आंसर रहेगा, जिसका अभी नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, प्रयागराज, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में, और एक आधा क्वेश्चन का आंसर अगर गलत लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मैं अपने तरफ से आंसर लिख के लाया हूँ ये, तो इनमें से कोई आंसर गलत भी हो सकता है बाय चांस। यहाँ पे नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आम किस जिले में उगाया जाता है, तो लखनऊ आपका आई थिंक राइट आंसर हो जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता, तो ये फ्रांस राइट आंसर हो जाएगा। टाइगर रिजर्व डे कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को ये मनाया जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। संविधान से रिलेटेड आपके कम से कम मैं बता दूँ 8 से 10-12 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं, जैसे बच्चों ने बताए हैं, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डेन्यूब नदी किस देश में है, तो ये आपका जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, देखिए सबसे कम वाला भी पूछ लिया, सबसे ज़्यादा वाला भी पूछ लिया, थर्ड नंबर का भी पूछ लिया, सेकंड नंबर का भी पूछ लिया, अलग एक ही शिफ्ट में 3-4 तरीके के पेपर बनते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजेस कर करके तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप ये टॉपिक देख लेंगे, वीडियो को दोबारा से देखिएगा और देखिएगा किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उस टॉपिक को आज रात में गूगल पर सर्च करके पढ़ के जाइए, बट पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको उससे आसपास का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो सबसे कम घनत्व वाला कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देखना चाहते हैं तो लिंक मैं दे दूंगा, ऑनलाइन टेस्ट देख लीजिएगा रात में, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। घर घर LED बल्ब बांटने की योजना का नाम, तो उजला योजना आपका आई थिंक ये है उजला योजना, तो ये देख लीजिएगा अगर ये राइट नहीं है, मुझे लगा यही आंसर है इसका। कनिष्क का राज वेद कौन था, ये चरक आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो आर्टिकल 63 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। नीति आयोग ने आकस्य योजना में यूपी के कितने जिलों को लिया है, तो ये 12 जिलों को लिया है, ठीक है, नीति आयोग ने। नेक्स्ट आपका, SC ST का संबंध किस अनुसूची से, तो इसका जो शेड्यूल है आपका आई थिंक ये 5 और 6 है, तो देख लीजिएगा, ये भी आपका राइट आंसर क्या रहेगा।
एक आपका देखिए कंप्यूटर से आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें शायद ये पूछा गया था रैम और रोम की से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो रैम की फुल फॉर्म पूछी गई होगी तो रैंडम एक्सिस मेमोरी, और रोम की पूछी गई होगी तो रीड ओनली मेमोरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर मैं टॉपिक की बात करूँ, देखिए दोस्तों यूपी की करंट और जीके ज़्यादा पूछी जा रही है। करंट के आपके 5 से 6 क्वेश्चन हैं और कंप्यूटर से आपके 5 से 6 क्वेश्चन हैं। हिस्ट्री के आपके मतलब करीब करीब 8-9 क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ, 8-9 क्वेश्चन हैं। पॉलिटी के आपके 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ पॉलिटी से देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आर्टिकल आपका है, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, और यहाँ पे गवर्नर हो गया, आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक है, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 10 से 12 क्वेश्चन। तो यहाँ पे इनको आप देख के जाइएगा इन पॉइंट पे। कुछ और क्वेश्चन है मेरे पास में, उनको भी देख लेते हैं। एक था लटमार होली कहाँ पर खेली जाती है, तो ब्रज के बरसना गांव में, ब्रज के बरसना गांव में ये लटमार होली खेली जाती है। एक है प्राइमरी मेमोरी रिलेटेड क्वेश्चन था एक कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपके कहीं मेमोरी से रिलेटेड बेसिकली मैं बोलूँ तो क्वेश्चन आए हैं अभी तक दोनों शिफ्ट में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है, तो 22% भूमि जो है वो कृषि योग्य है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये आपका शाहजहां राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक दूध का उत्पादन करने वाला राज्य, तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सूर्य शक्ति योजना कहाँ की है, तो ये सूर्य शक्ति योजना जो है ये गुजरात की है, जिसमें जो खेतों में बिजली उत्पादन की जाएगी, कुछ इस तरीके की एक योजना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आपका यूपी ट्रिपल एससी के नए चेयरमैन, तो देखिए चेयरमैन अभी चेंज हुए थे, आपको सभी को पता होगा, क्योंकि अभी बीच में एक खबर भी आई थी, कि खबर क्या आई थी मतलब उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो अभी जो नए चेयरमैन बने हैं चंद्रभूषण पालीवाल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैपिटल ऑफ युगांडा क्या है, तो आप सभी को पता है कंपाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1913 में आपकी गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, किसने की थी, लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी, तो ये भी आपका पूछा जा सकता है। ओजोन की खोज किसने की थी, तो फेब्री चार्ल्स ने इसकी खोज की थी, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका त्रिपुरा का राज्यपाल, तो कप्तान सिंह सोलंकी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। HDI में भारत की रैंक कौन सी है, तो भारत की रैंक अभी 130 हो गई है, 131वीं रैंक थी, तो एक घट के, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो अल्फ्रेड पार्क है जो इलाहाबाद में, ठीक है, तो वहाँ पे मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1931 में, इन्होंने सुसाइड किया था, मतलब खुद को अपने आप को वहाँ पे गोली मारी थी। नेक्स्ट आपका रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति है, तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, 14वें नंबर के राष्ट्रपति है। वेंकैया नायडू कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति है, सॉरी यहाँ पे उपराष्ट्रपति होगा, तो ये आपका हो जाएगा 13वें नंबर के, ठीक है। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, तो मुगल बादशाह ने बनवाया था, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है आलू उत्पादन में, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। कौन से शासक की पुस्तकालय में गिरने से मौत हो गई थी, तो बेसिकली ये जो था हुमायूं, ये पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिर के मौत हुई थी इसकी, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हुमायूं आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक था तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो ग्यासुद्दीन तुगलक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ये तुगलक वंश का संस्थापक था। तो देखिए दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं, बहुत टाइम लगा इनको कलेक्ट करने में, अगर आपको ये पसंद आया है ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, बहुत मेहनत से कलेक्ट करके लेके आऊँ, तो एक लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पे अगर रीजनिंग की बात करें, तो स्टेटमेंट कंक्लूजन के बहुत सारे क्वेश्चन, लंबे लंबे क्वेश्चन जिनको पढ़ने में कम से कम 5-5 मिनट लग सकते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो छोड़ के आने हैं, और कौन से क्वेश्चन छोड़ के आने हैं जिनमें टाइम लगता है, जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन के 2 क्वेश्चन तो बहुत ही लंबे लंबे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एक बच्चे से सीधी बात हुई थी तो वो बता रहा था सर एक क्वेश्चन को पढ़ने में, सिर्फ अगर रीड भी करना चाहिए कितनी भी स्पीड से रीड कर ले तो 5 मिनट कम से कम लग जाएगी, तो उस क्वेश्चन को छोड़ना ही में ही फायदा है, ठीक है। तो रीजनिंग आपकी लेंथी है, जैसे बैंकिंग में पूछी जाती है बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारे अटेम्प्ट नहीं करने होते, वो छोड़ने होते हैं, तो उनको छोड़ दीजिएगा। वेन डायग्राम से क्वेश्चन था, सिलोगिज्म के भी आपके बड़े बड़े क्वेश्चन थे, तो जो इजीली हो सकते हैं उसको करिए, जो नहीं हो सकते उसको छोड़ दीजिए। फिर मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चन थे आपके देखने को मिले हैं। फिर अगर सीरीज की मैं बात करूँ,
तो यहाँ पे सीरीज में आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल और अल्फाबेट सीरीज दोनों सीरीज यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है भाई, कोडिंग डिकोडिंग से आपके क्वेश्चन बने हैं और काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन बने हैं, डायरेक्शन से भी आपके क्वेश्चन बने हैं, फिर ब्लड रिलेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। तो ओवरऑल आपका ये था पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत कम मिल पा रहे हैं और बाकी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके टॉपिक स्टडी सर्च करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। आप डायरेक्ट मुझे भी फॉलो कर सकते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, ताकि आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डायरेक्ट मैसेज आप मेरे तक पहुँचाना चाहते हैं, कुछ भी यहाँ पे अपनी फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ भी चेंज कराना चाहते हैं चैनल में कि इस तरीके से आप वीडियोज़ बने वो करिए, तो वो सब कुछ मैं आपके फीडबैक लूँगा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं SAUR ABHMALIK। बस आपको सर्च करना है सौरभ मलिक फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, वहां पे जाके फॉलो कर लीजिए, जो भी आपके डाउट है वो मेरे से पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं कल की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस लेके, तब तक के लिए टेक केयर। जो और कोई क्वेश्चन मिलेंगे वो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम को फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो देखें, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।